हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज अपन खड़े हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली न्यूली लॉन्च जिमनी के सामने। ये इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। इस गाड़ी में डीजल का ऑप्शन नहीं है। इस गाड़ी में आपको 103 bhp की पावर और 134 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है इसका इंजन। अगर इस गाड़ी में आपको डीजल की बात करूं तो डीजल का ऑप्शन आपको मारुति सुजुकी के किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, क्योंकि मारुति सुजुकी ने 2018-19 से डीजल का ऑप्शन पूरा बंद कर दिया है अपनी गाड़ियों में। ये जितनी भी आप सारी गाड़ियां देख सकते हो, सारी की सारी पेट्रोल में या फिर CNG में होगी। आपको पेट्रोल का ऑप्शन ही मिलता है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा इस गाड़ी में अभी, और ये गाड़ी फोर व्हील ड्राइव में। जिमनी आपको बेस वेरिएंट से ही फोर व्हील ड्राइव में ऑप्शन में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको 4x4 देखने को मिलेगा। ये इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। अगर बात करें इसके सबसे पहले फ्रंट से, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं और ये नीचे लाइट वॉशर के साथ, जिससे यहाँ से प्रेशर टलेगा पानी का और ये लाइट पूरी क्लीन हो जाएगी आपकी जब आप माउंटेन्स पे या फिर किसी पहाड़ी इलाकों पे चलाते हो तो। और ये फ्रंट से ऐसी कुछ है इसकी लुक। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिमनी के बेस वेरिएंट का, जो आप आई बटन पे जाके ऊपर देख सकते हो। ये काफ़ी सिमिलर है उस गाड़ी के, बस थोड़े बहुत चेंजेस है इस गाड़ी में और बेस वेरिएंट में, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको सबसे पहले बात करें इसके ग्रिल की, तो ग्रिल में इधर की तरफ आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी और बीच में आपको बड़ा सा एक सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। और इधर की तरफ आपको फॉग लैंप देखने को मिलेंगे, जो बेस वेरिएंट में आपको इधर फॉग लैंप की प्लेसमेंट है पर फॉग लैंप खुद नहीं है। और आगे की तरफ इधर नंबर प्लेट की एडजस्टमेंट इधर है, और ऐसा कुछ है फ्रंट से लुक गाड़ी का। देखने में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बड़ी लगता कुछ है इसका फ्रंट से बोनेट। और साइड में देखो तो ये है इसके इंडिकेटर्स, जो आपको नॉर्मल बल्ब में देखने को मिलेंगे। LED का ऑप्शन नहीं है इसमें, टॉप और बेस दोनों में ही सेम मिलेंगे आपको। फ्रंट से ज़्यादा लुक चेंज नहीं है बेस और टॉप की। अब बात करते हैं इसके साइड की, तो ऐसी कुछ है इसके साइड से। इसमें आपको साइड में एक मेजर जो डिफरेंट देखने को मिलेगा वो है इसका अलॉय व्हील। इस गाड़ी में आपको 195/80 R15 का टायर साइज देखने को मिलता है। टायर साइज आपका दोनों में सेम रहेगा गाड़ियों में, बस अलॉय व्हील का डिफरेंस है। बेस वेरिएंट में आपको इधर स्टील रिम देखने को मिलेगा और टॉप वेरिएंट में इधर की तरफ आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और ऐसी कुछ है साइड से लुक गाड़ी की। और बात करें इस इंडिकेटर की, तो बेस में और टॉप में दोनों में आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। टॉप हो चाहे बेस हो, इधर ही इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इस जगह इंडिकेटर की प्लेसमेंट नहीं है। इधर की तरफ आपको बेस वेरिएंट में सिर्फ ब्लैक में फिनिश देखने को मिलेगी, और टॉप वेरिएंट में जाते हो तो इधर की तरफ आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। और इसके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जिसमें साइड से बात करूं तो इस वेरिएंट में आपको जो अलग मिलेगा वो मिलेगा एक रिक्वेस्ट सेंसर। ये इसमें बेस वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी नीचे आपको फुट स्टेप भी देखने को नहीं मिलेंगे, ना टॉप में ना बेस में। आप शायद एसेसरीज में लगवा सकते हो इस गाड़ी में। और पीछे से बात करूं तो प्रोफाइल सेम रहने वाली है। बेस वेरिएंट में भी आपको इधर की तरफ ही एंटीना देखने को मिलेगा। आपको बेस और टॉप में दोनों को ही ऐसे एंटीना देखने को मिलेगा। शार्प फिन एंटीना का ऑप्शन नहीं है इसमें। और ये इसका क्वार्टर ग्लास पैनल। इधर की तरफ आपको एक अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। टायर साइज आपको वही मिलेगा 195/80 R15 का, सेम टायर साइज है। लेकिन पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्क का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में, रियर में आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप चलते हैं इस गाड़ी के पीछे की रो में, तो ऐसी कुछ है लुक पीछे से इस गाड़ी की। पीछे से भी काफ़ी कुछ सिमिलर है इस गाड़ी में, जैसे कि आप ऊपर से देख लो तो फिर हाई माउंट टेल लैंप, उधर की तरफ आपको एक विंडशील्ड वॉशर, और नीचे की तरफ आपको वाइपर जो बेस वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा। ये इसका स्पेयर व्हील है जो पीछे की तरफ लगा हुआ देखेगा। और सेम ऐसी स्टेपनी कवर आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर प्लास्टिक की है। और बीच में आपको एक छोटा सा सुजुकी का लोगो भी देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा इस गेट पे भी, जो आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको इधर कोई भी प्रकार का रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। आपको इधर की तरफ जिमनी की बेजिंग देखने को मिलेगी। और पीछे की तरफ आप लाइट्स की बात करें तो सेम है, आपको कोई भी LED का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, जिसका एक पार्किंग सेंसर थोड़ा इधर टिल्ट किया गया है ताकि पूरा कवरेज बढ़िया से कवरेज हो पाए। और इधर की तरफ नंबर प्लेसमेंट दी गई है। अगर कैमरे की बात करूँ तो इधर की तरफ ही आपको कैमरा दिया गया, जो बेस वेरिएंट में भी देते हैं इधर कैमरा। ऐसी कुछ है लुक पीछे से इस गाड़ी की। अब बात करते हैं गाड़ी की डिग्गी खोल के,
तो इसमें हाइड्रोलिक टेलगेट ऑप्शन देखने को मिलता है जो अपने आप ओपन हो जाता है एक बार में, और ऐसी कुछ है इसकी स्पेस पीछे से। आपको इधर भी 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट देखने को मिलेगा और एक लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा इधर। अगर आप बात करें तो पीछे से तो बेस में और टॉप में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, और ये है इसके हुक्स जिससे आप सीट को नीचे कर सकते हो। ये मिलती है आपको पूरी स्पेस इसमें। आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो देखने को नहीं मिलेगा इसमें, जो आपको प्रॉपर एक वे में दिखेगा। थोड़ा बहुत बम्प आएगा बीच में, आप प्रॉपर सामान अच्छे से तो नहीं रख सकते, पर बढ़िया है। इसको ऐसे पकड़ के ऊपर कर देते हैं, और इसमें भी यहाँ की तरफ लॉक लग रखा है, ये देखो। अब करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं इसके रियर साइड की तरफ। तो ऐसा कुछ है इसका डोर हैंडल, ये इसका रियर साइड डोर। इसमें आप बात करें तो पावर विंडो के स्विचेज ये हैं, जो डिज़ाइन तो काफ़ी यूनिक है, पर एटलीस्ट इसे बढ़िया बना देना चाहिए था, वैसे ये थोड़ा मुश्किल रहेगा हमेशा के लिए। और ये इसका क्रोम में डोर हैंडल, ऊपर की तरफ लॉक, और ये दो पार्ट में स्प्लिट है इसका विंडो। ये इतना ऊपर अप डाउन होगा, और ये वाला एक फिक्सेबल है पूरा। और नीचे की तरफ आपको ये स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें स्पीकर भी आप में इसमें ले सकते हो। इसमें आपको चार स्पीकर देखने को मिलेगा, और ऐसी कुछ है पीछे से लुक इसकी। अगर बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ का कुछ सुधार हो सकता था सुजुकी की तरफ से थोड़ा। अगर ये प्लास्टिक आपको व्हील आर्क इधर की तरफ अटैचमेंट दिया जाता तो ये ऐसा गंदा नहीं लगता, और इसमें खतरा भी काफ़ी है। अगर किसी प्रकार का कपड़ा अगर आ जाए तो काफ़ी आराम से इसके टच हो सकता है। ये थोड़ा गलत लगा मेरे को, इसको सुधारा जा सकता था आराम से। और ऐसी कुछ है इसकी सीट पोजिशनिंग, जिसमें आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 2 सीट कैपेसिटी मिलेगी, जिसमें आपको दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, और बीच में आपको एक बम्प भी देखने को मिलेगा इसमें। और ये इसके दो बॉटल होल्डर। आप बात करेंगे आगे तरफ से, इंटीरियर दिखाऊं यहाँ से, तो ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, काफ़ी कुछ सिमिलर है बेस वेरिएंट से, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इस गाड़ी में। और डिफरेंस की बात कर लूँ तो इसमें विंडो आपको टिंट देखने को मिलेगा, जबकि बेस वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सनराइज है वो पूरे एकदम आराम से सीधी की सीधी अंदर आती है, सन की जो किरणें होती है, जबकि इस विंडो में सीधी अंदर नहीं आती। और ये RTO लीगल भी है, अप्रूव्ड भी है। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, तो वो भी सिमिलर ही है बेस मॉडल की तरह। इसमें आपको इधर की तरफ एक प्लास्टिक का हुक मिलता है बड़ा सा, और ये एक क्रोम में डोर हैंडल, ऊपर की तरफ लॉक, नीचे की तरफ स्पीकर, थोड़ी बहुत स्पेस जिसमें आप मैगजीन रख सकते हो बोतल वगैरह होल्डर के लिए, यहाँ पे नहीं है स्पेस। और ऐसा कुछ है इसका सीट, इसमें हाइट एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलता इस सीट में आपको, बस आपको आगे पीछे, और ये टिल्ट कर सकते हो आप थोड़ा बहुत ऊपर वाला हेडरेस्ट वाला, ये वाला, और हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है पूरा इसमें। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ड्राइवर साइड की तरफ, और बात करते हैं इसके अंदर से फीचर्स वगैरह की। तो सबसे पहले मैं सीट को पीछे कर लेता हूँ, और डोर भी काफ़ी दूर है इसका, तो ऐसे पूरी फील आने वाली ऑफ रोडिंग वाली। ये कर लिया डोर बंद, अब थोड़ा कर लेते हैं स्टार्ट, इसको देख लेते हैं न्यूट्रल में है। स्टार्ट करने के लिए आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। और इसका ब्लावर कर देते हैं थोड़ा धीरे, एसी में कर देते हैं लो, फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। इसने फ्यूल की इंडिकेशन दे दी, ये कर दिया बंद। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की तरफ से, तो इतना कुछ चेंज तो नहीं है बेस में और टॉप में, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ये मैं पीछे का जो वाइपर है वो बंद कर देता हूँ, वो चल रहा है फालतू में। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको वो ही बेस वेरिएंट में मिलता है वैसा ही इसको आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। रेड कलर में दो ये इधर की तरफ स्पीडोमीटर और इधर की तरफ टैकोमीटर देखने को मिलेगा, बीच में आपको एक छोटी सी MID देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एवरेज वगैरह और जो भी कुछ है वो पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें। 1985 को इसका, और बीच में आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इधर की तरफ आपको क्रूज देखने का ऑप्शन मिलेगा, जो बेस वेरिएंट में क्रूज का ऑप्शन नहीं था, पर टॉप मॉडल में आपको क्रूज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन और म्यूट भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन क्लिक के लिए इधर रेंज, एवरेज स्पीड और ड्राइविंग टाइम ऐसा कुछ शो करेगा। और सीट की स्टीयरिंग की बात करूँ तो आपको टिल्ट देखने को मिलेगी, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है इसमें। और इधर की तरफ आपको
फोन पिक और अनपिक दोनों वॉइस कमांड सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आप बात करें तो ये है इसके, आपको दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूँ, इधर की तरफ बात करूं मैं और इधर की तरफ मैं बात करूं तो ये इसका विंडशील्ड वॉशर, जिससे आप आगे की लाइटें वगैरह वो जो पानी से साफ कर सकते हो। ये इसका ऑटो स्टार्ट स्टॉप और ये हेडलाइट लेवलर के लिए। और नीचे की तरफ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा। और इधर की तरफ आपको मिरर के एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये ऊपर राइट और लेफ्ट के लिए राइट का दिया और ये देखो आपको दिख रहा होगा ये एडजस्टेबल हेड मिरर के लिए। और इधर की तरफ एसी वेंट्स है जिसपे आपको एक सिल्वर का कवर देखने को मिलेगा, सिल्वर फिनिश में जो है तो पर प्लास्टिक का। और इधर की तरफ आपको एक बड़ी सी 10 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी। ये बड़ा अपडेट है इसमें बेस में और टॉप यूनिट में, जिसमें आपको बेस यूनिट में सिर्फ आपको इसके इससे थोड़ी छोटी मिलेगी पर टॉप यूनिट में आपको 10 इंच की देखने को मिलेगी। 10 है या फिर 9 है मेरे हिसाब से पूरा मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको फिर दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा मैं। नीचे की तरफ आपको दो एसी वेंट्स मिलेंगे छोटे छोटे और बीच में हजार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, पर जबकि बेस में आपको इधर मैनुअली था। हाँ, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग सकता है, बाकी सिमिलर है, थोड़ा स्विफ्ट के जैसा ही दिखता है। बाकी ये इसका ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर साइड मिरर। इधर की तरफ है स्विच, तो आप कंफ्यूज मत होना जब भी जिमनी चलाओ। और अगर आप ड्राइवर साइड के ऑपोजिट की बात करो तो उसका मिरर अप एंड डाउन करने का इधर है, पैसेंजर साइड का ये हो रहा है ऊपर नीचे, ऐसी चीज़ों में मैं भी कंफ्यूज होता थोड़ा। और ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। और इधर की तरफ आपको हिल क्लाइम कंट्रोल का सिस्टम देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ आपको यूएसबी सॉकेट देखने को मिलेगा और एक 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है नीचे। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स। और ये इसका 2 हाई, 4 हाई और 4 लो के लिए 4x4 का गियर नॉब, जिसमें आपको जिप्सी की तरह देखने को मिलता है वो पुराना वाला, जो आपको रगेड फील देता है पूरी आपको गाड़ी की 4x4 की। और इधर की तरफ आपको हैंडब्रेक देखने को मिलेगा। और इधर की तरफ आपको पीछे के जो विंडो अप एंड डाउन का है स्विचेस वो इधर देखने को मिलेगा, जबकि वहां होना भी चाहिए था पर वहां भी है। और ये विंडो लॉक के लिए पीछे वाले। और इधर थोड़े बहुत बॉटल स्पेस देखने को मिलेगी। और ये सीट बेल्ट के लिए। बाकी कुछ ऐसा था जिमनी का रिव्यू। और थोड़ी बहुत बात कर लूँ ऊपर से, तो ये इसका IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है, थोड़ा ऑटो डैमिंग दे देते तो बढ़िया रहता इतने प्राइस रेंज में। और ऊपर की तरफ आपको ये है बल्ब में लाइट देखने को मिलेगी येलो लाइट। और इधर की तरफ आपको माइक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी बात बात करने के लिए। और ये इसके ग्रैब हैंडल जो फिक्सेबल है पूरे। और मेन बीच की तरफ आपको एक रूफ लाइट और देखने को मिलेगी, जो वो भी बल्ब में है येलो कलर में। और ये था मारुति सुजुकी जिमनी टॉप वेरिएंट का रिव्यू। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी जिमनी लेने का प्लान बना रहा है उसे आप ये कार प्रेफर कर सकते हो। हाँ, अरे मैं आपको एक चीज बताना भूल ही गया, इसका लाइट वॉशर दिखाता हूँ मैं आपको। बटन प्रेस तो कर दिया पर बाहर पानी